मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? अच्छी बात है, बैठ जाइए। अच्छा, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करते हैं कि कितने लोग आप लोग बाइक स्कूटी चलाते हो? गर्ल्स बॉयज दोनों में आप बताओ, ऑनेस्टी से बताओ। कोई पनिशमेंट नहीं है, बस आप देखना चाहते हैं कि यहाँ कितने लोग चलाते हो। नहीं चलाते हो? चलाती हो? देखो गर्ल्स कितने ईमानदार हैं, चार चार लड़कियां हैं। और तुम लोग अपनी ईमानदारी दिखाओ। तो बड़ी मुश्किल से 1, 2, 3, 4 गर्ल्स से पीछे हो अभी, वो 4 हैं, 5, 6, 7 तुम लोग। चलो ठीक है, हम जान गए सब चलाते हो, तो अब नहीं चलाना है। अब जो है सरकार बहुत सख्त है नाबालिग का वाहन चलाने के प्रति, और आपके प्रति नहीं सख्त है, जो गाड़ी दे रहे हैं उनके प्रति सख्त है। चाहे वो आपके घर से मिले और चाहे किसी और की गाड़ी हो, लेकिन हम तो गाड़ी पकड़ेंगे आपको, बड़े प्यार से कहेंगे बेटा उतर जाओ, पैदल जाओ, गाड़ी छोड़ जाओ, है ना। और फिर गाड़ी का जो मालिक होगा वो जितनी पनिशमेंट है उसके लिए है। आप लोग देखो इसलिए लाल ब्लॉक में क्या लिखा है, इसी पे कार्रवाई हो रही है इस समय। नाबालिग से वाहन चलवाएंगे तो वाहन स्वामी विधिक कार्रवाई के अंतर्गत आएंगे। विधिक कार्रवाई मतलब कानूनी कार्रवाई। अब उसमें जितने पनिशमेंट बनते हैं मिलेंगे उनको। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, मामा हैं, कुछ नहीं। जिसने गाड़ी आपको दिया उसने गलत किया, आपको खतरे में डाला। और हमारी सरकार चाहती है कि हमारा कोई भी नाबालिग किसी भी सूरत में खतरे में नहीं जाए। आपसे उम्मीद है भाई, आप देश के भविष्य हो, और अपने भविष्य को हर सरकार, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारा नाबालिग जो इन फ्यूचर बालिग हो करके और किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान देने वाला है वो जो है सड़क पे नहीं जाना चाहिए। आपका अंग भंग नहीं होना चाहिए, आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो सभी आपके बुढ़ापे तक रहने चाहिए। ये संकल्प है और इसी संकल्प को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। पहले थोड़ा ये देखते थे स्कूल टाइम हो गया, चलो हिदायत देके छोड़ देते थे। अब एक दिन आपका स्कूल मिस करवाएंगे जरूर, एक दिन आप स्कूल मिस कर जाओगे दोबारा से गाड़ी नहीं लाओगे, रियायत बंद है बेटा। बस ये बातें करने हम स्कूल में जा रहे हैं, एक बिंदु पर एक ही ट्रैफिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है हम आपसे बात करें, आपको जागरूक करें, आपको समझाएं, ताकि ये मैसेज आपके गार्जियन तक जाए, आपके अभिभावक तक जाए, वो सतर्क हो जाएं, आने वाली परेशानी से बच जाएं। तो इसलिए बेटा जो भी माइनर्स हो, 18 के अंडर हो, 18 से नीचे हो, तो आप लोग कृपया कोई भी वाहन न चलाएं। एक वाहन केवल आपके लिए है, वो भी ओवर 16 के लिए है, 25 km/h से कम स्पीड की है स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, आप उसे चला सकते हो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। उसको जस्ट लाइक साइकिल, बाइसिकल समझा जाता है, उसका कंट्रोल माना जाता है 25 के नीचे आप कर लोगे, ठीक है। तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके माता पिता दिला सकते हैं, तो उनको बताइए कि हम ये नहीं ले जाएंगे गाड़ी, हमको वही दिलवा दीजिए, और नहीं तो साइकिल जिंदाबाद, साइकिल से आइए, तमाम फायदे हैं साइकिल के। चलो आप लोगों से फायदे आज पूछते हैं, खड़े हो जाओ तुम कॉर्नर सीट, साइकिल के एक फायदे बताओ, प्लीज खड़े हो जाओ, सबको बताओ एक साइकिल के फायदे। क्यों आप लोग जो है अंतर्मुखी हो, बहुमुखी बनो ना, साइकिल का एक फायदा बताइए, दूसरे से भी पूछेंगे, बोलो कसके। साइकिल के कोई फायदे नहीं मालूम है, एक फायदा बोल जाओ भाई, बैठ जाओ। कोई है जो साइकिल के फायदे, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स से उम्मीद करते हैं, आप लोग तो बोलती हो, बोलो बेटा साइकिल के फायदे बताओ। नहीं मालूम, चलो बेटा खड़े हो जाओ, बताओ साइकिल के फायदे, एक एक बताओ, हम इनको तेज लाउड बताएंगे। हाँ फिजिक्स सही रहता है, और हाँ फिजिक्स सही हो गया आपका, पूरा शरीर का जो है फिजिक, आपका शारीरिक जो है सौष्ठव बढ़ेगा। एक्सीडेंट के बारे में बताएं कि साइकिल का एक्सीडेंट आप नहीं करोगे, अगर आप रोड रूल का पालन नहीं करोगे तो साइकिल का भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आपको बाएं तरफ
एकदम सेफ्टी से चलना है, साइकिल पर बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, और बताओ। और ब्रेक माने हाथ चलो बैठ जाओ। सबसे बड़ा फायदा एनवायरनमेंट का होता है, वातावरण का होता है। आज जो है वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर 5-10 किलोमीटर साइकिल से अपने ऑफिस जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, न्यूज में भी सुने होंगे, है ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब कोई टाइकून उसको कहते हैं जो एक आइडियल है समाज में, बड़ा पैसे वाला, बड़ा उद्योगपति, वो जब कोई काम करता है तो वो वायरल हो जाता है, वो मैसेज जाता है कि इतना बड़ा आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग साइकिल चला रहे हैं, टाइकून हैं, विश्व प्रसिद्ध लोग हैं, तो एक संदेश दे रहे हैं कि आप साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने से आप तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है। और थोड़ा पहले चलो, मोटरसाइकिल से आते हो 10 मिनट में आते हो, साइकिल से आधे घंटे में आओगे, समथिंग 5 किलोमीटर साइकिल आधे घंटे में आ जाती है, बहुत अच्छी, धीरे धीरे चलोगे तो भी। तो साइकिल चलाने के बहुत फायदे हैं बेटा। साइकिल को प्रमोट पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है आज के डेट में, कि आप चलाओगे तो आपकी फिटनेस सही रहेगी और साथ ही साथ एनवायरमेंट सही रहेगा। ये फायदे हैं। तो आप लोग बाइसाइकिल पर जो है ध्यान लगाइए, 18 के पहले बाइक से ध्यान हटाइए, केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई इस देश को चाहिए, आपके बाइक चलाना इस देश को नहीं चाहिए। आपकी पढ़ाई से आपका हमारा देश आगे बढ़ेगा, वो दीजिए आप। और संकट क्या आने वाले हैं, और जो आ रहे हैं, पार्डे हम 2-4 नाबालिगों का चलान कर रहे हैं। नाबालिग का चलान जो इस समय चल रहा है, नाबालिग यदि बाइक पे है तो 5,000 रुपये, और हेलमेट तो सर पे होगा नहीं, नाबालिग है तो कन्फर्म हूँ 1,000 वो, प्लस उसके बाद तो गाड़ी चेक होती है, उसके स्टेटस चेक करते हैं, उसमें फिटनेस फेल होगा 5,000 और इंक्लूड कर लो, अगर उसका इंश्योरेंस फेल होगा उस 2,000 और इंक्लूड कर लो, PUC फेल होगा 500 और इंक्लूड कर लो। यानी कि एक बार गाड़ी पकड़ने के बाद उसके स्टेटस को चेक करते हैं, जितनी कमी होगी वो सारे के सारे इंक्लूडिंग समथिंग 10,000 प्लस आपके गार्जियन के ऊपर जाएगा, ठीक है। और शक्ति है, इसलिए कह रहा हूँ। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसा आप लोग कई बार देख चुके हो न्यूज़पेपर टीवी में, और भी सख्त कानून नाबालिग पे आ रहा है, उसके गार्जियन की तो पूछो नहीं। केवल ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके गार्जियन जो है वो आपको देते हैं तो आप चलाते हो, अगर कार्रवाई सख्त उनके ऊपर होगी तो आपको देना बंद कर देंगे। जानते हो क्यों? बहुत बड़ी संख्या में नाबालिग रोड एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ दे रहे हैं, और उस नाबालिग के दुनिया छोड़ने से कोई बता सकता है आप में कल को क्या बनेगा? इसमें से कोई नहीं बता सकता है। इवन आपके माता पिता नहीं जानते आप क्या बनोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को अच्छे से कोई नहीं पढ़ पाता है। अभी आप हाई स्कूल में कॉन्सेप्ट कुछ लेके चल रहे हो, समथिंग हो सकता है इंटरमीडिएट में आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए। हाई स्कूल तक आप IAS बनना चाहते, इंटर में जाके डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, बदल गए ना। इसलिए नाबालिग का ये मान के चला जाता है कि वो आगे क्या करने वाला है किसी को पता नहीं है, तो बहुत कुछ कर सकता है अनलिमिटेड। और बाइक चलाओगे, कोई आर्गन आपका जो है आपके शरीर में नहीं रहा, यानी अनफिट हो गए, कान से, नाक से, आँख से, पैर से, हाथ से, तो कहीं ना कहीं जो लोग रक्षा सेवाओं में जाने का सपना देख रहे हैं वो सपना ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन से लेके फिटनेस दोनों देखा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच करके आपको इससे रोका जाता है कि अभी आपके लिए नहीं है, 18 वर्ष के हो जाओ। क्यों 18 ही बैरियर दिया गया है? जानते हो 18 वर्ष के होने पर आप जो है ये इंटरमीडिएट से ऊपर चले जाओगे, किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में चले जाओगे, नहीं तो डिग्री कोर्स में चले जाओगे, और डिग्री कोर्स में जाने वाला बच्चा मैच्योर माना जाता है। अभी आप अनमैच्योर, आपके सोचने समझने की अभी उतनी शक्ति नहीं है, अभी आप केवल एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, वो एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए घातक है। ये आपका एज एक्सपेरिमेंटल एज है, तो इसको आप रसायन विज्ञान में इस्तेमाल करो, भौतिक विज्ञान में इस्तेमाल करो, गणित में इस्तेमाल करो, अंग्रेजी में इस्तेमाल करो, ना कि बाइक और रोड पे इस्तेमाल करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये मैसेज आपको देना था सिर्फ एक पॉइंट पे, कि आप लोग वाहन ना चलाइए, और जैसा कि मैंने एक स्कूटी आपको बताया है वो आप चला सकते हो, अगर आपको हासिल हो सकता है तो करिए, चलाइए। और साइकिल भी चलाते हो तो रोड पे पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रख करके, ये नहीं कि 2-4 चक्की की गाड़ी है उसी के बीच से निकल जाओ, हमेशा अपनी साइड मत छोड़ो, लेफ्ट में रहो, क्योंकि दूसरे की गलती से भी आपका दुर्घटना हो सकता है। साइकिल से आप किसी की इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं करोगे, लेकिन दूसरा आपको घायल कर सकता है। इसलिए साइकिल पैदल जब भी चलते हो आप सचेत होकर चलो। बात मत करो, 2 मिनट हमें सुन लो प्यारे,
अलग से क्या बात कर रहे हो आप? हम आप ही के हित की बात बता रहे हैं। नहीं जा सकते। सपोज करो तुम्हारे घर बाइक नहीं है, कैसे जाते? 108 एम्बुलेंस काहे के लिए? हर कोने कोने में पहुंचता है, पहुंचेगा? नहीं नहीं, नाबालिग को किसी सूरत में छूट नहीं है। अगल बगल कोई बालिग तलाश लो। एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए, आपके लिए कोई इमरजेंसी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कल ऐसा ही एक मैंने चालान किया था, एक महिला वो काफ़ी आर्गूमेंट कर रही थी, हम कहे देवी जी आप किनारे हो जाइए, चालान तो मैं करूँगा, किया मैंने। ठीक है बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाबालिग नो, नो का मतलब नो ही होता है, यस नहीं होता है। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए। ये मैसेज आप तक पहुंच गया, क्लियर? कोई डाउट? एक आपके पास ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा वॉइस स्किल का इस्तेमाल करिए। ये फ्लेक्स आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे आप लोग। सबसे ऊपर मैंने लिखवाया है, मेरे साथ पढ़िएगा, नाबालिग अगर वाहन चलाएंगे तो वाहन स्वामी दिक्कत में आएंगे। दिक्कत कई किस्म की हो सकती है, और अगर 18 के बाद आप हेलमेट लगाओगे बाइक पे तो तूफान आएंगे, आकर चले जाएंगे। हेलमेट सिर पर है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे फोर व्हीलर में जीवन है सबसे प्यारा, सीट बेल्ट जीवन की धारा है, ऐसे स्लोगन इसलिए बनाए जाते हैं कि आप लोग अट्रैक्ट हो, पढ़ो, ताकि आपके बुद्धि में घुसे। तो इतनी बातें समझ में आ गई? तो एक 30 सेकेंड का वादा हमसे कर लो, शपथ नहीं है, बैठे बैठे मेरे पीछे दोहरा देना। हम वादा करते हैं 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर वाहन चलाएंगे। इससे पहले हम वाहन नहीं चलाएंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। ओके, थैंक यू सर।